आज मैं बना रही हूँ अंडा करी। उसके लिए मैंने बॉयल अंडे लिए हैं, 6 अंडों को मैंने बॉयल कर दिया था। 2 मैंने प्याज लिए हैं, उसमें अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची, वो मैंने फाइन चॉप कर दिए है सब। 2 टमाटर मैंने लिए हैं, उनको मैंने पीस लिया है। अंडा करी के लिए अब हम अंडों को कट करके डालेंगे। अंडों को मैं इस तरह से कट करूंगी। और मैं इनका ये पीला हिस्सा निकाल दूंगी। आधे अंडों को निकालूंगी, आधे अंडों में मैं रहने दूंगी। ये अंडा करी के लिए मैंने बर्तन लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें प्याज, हरी मिर्ची और अदरक जो मैंने चॉप करके रखी थी उसको डालूंगी। गैस को तेज करूंगी। प्याज को हमें अब हल्का पिंक होने तक भूनना है। ये प्याज हमारा हल्का पिंक हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। मसाले डालेंगे। मसालों में 1/2 चम्मच में हल्दी ले रही हूँ, 1 चम्मच में लाल मिर्ची, 1 चम्मच 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 नमक स्वाद अनुसार और इसमें मैं 1 चम्मच चिकन मसाला डालूंगी। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले को भूनेंगे थोड़ा सा अच्छे से। अब हम मसाले में थोड़ा पानी डालकर मसाला अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा मैंने पानी लिया है, इसे ढककर मसाले को 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाले को रखे हुए 8-10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं मसाला। मसाला हमारा पक चुका है, लेकिन अब हमें इसे मैश करना है। मैं इसे मथनी से मैश करूंगी अच्छे से। ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से मैश हो चुका है, बिल्कुल ऐसे मैश करना है इसे। इसे आप हैंड ब्लाइंडर से भी मैश कर सकते हैं। अब इसे हमें भूनना है बहुत अच्छे से, ऑयल रिलीज होने तक इसको भूनना है। पांच मिनट हो गए मुझे मसाले को भूनते हुए। अब हमारा मसाला भून चुका है, इसलिए ऑयल दिख रहा है, साइड से दिख रहा है। बस इतना ही हमें भूनना है, मैंने तेज आंच पर इसे भूना है। अब इसमें हम अंडे डालेंगे। अंडों को हमें हल्के हाथ से भूनना है। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे।
गिलास मैंने पानी डाला है इसके अंदर। अब इसे हम स्लो गैस पर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। सब्जी को मेरे स्लो गैस पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखते हैं, सब्जी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। ऑयल देखिए पूरा आ चुका है सब्जी पे, तो तैयार है सब्जी। गैस को बंद करेंगे, इसे हम सर्व करेंगे। ये हमारी तैयार हो चुकी है अंडा करी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।